नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, तो इस वीडियो को सदा रखें याद। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक था किसान जो हमेशा रहता था परेशान। कारण था उसकी फसल को हो जाता था थोड़ा बहुत नुकसान, और वजह थी कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी आंधी और तूफान। तो किसान ने क्या किया, उसने लगाया परमात्मा का ध्यान। उस किसान की भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा प्रकट हुए और कहा, भक्त क्या परेशानी है। किसान ने कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। आपसे एक ही विनती है कि कम से कम एक वर्ष मुझे दो, जैसा मौसम मैं चाहूं वैसा मौसम मुझे मिले, फिर देखना प्रभु कैसे मैं अन्न के भंडार पैदा कर देता हूँ। परमात्मा मंद मंद मुस्कुराए और कहा, दिया तुझे एक वर्ष, और धीरे धीरे ओझल हो गए। उस किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब पानी चाहा तब पानी मिला, जब धूप चाही तब धूप मिली, लेकिन आंधी तूफान ओले तो उसने आने ही नहीं दिए। ज्यो ज्यो फसल बढ़ती गई, किसान की खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा। वो मन ही मन किसान मुस्कुरा रहा था कि अब परमात्मा को दिखाऊंगा कि खेती बाड़ी क्या होती है। लेकिन जब किसान फसल काटने लगा तो वो छाती पर हाथ धर के बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली में गेहूं नहीं था। तब परमात्मा मंद मंद मुस्कुराने लगे और प्रकट हुए। बड़े ही दुखी होकर किसान ने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तो परमात्मा ने कहा, तुमने पौधों को संघर्ष का एक मौका भी नहीं दिया, ना तो तेज धूप से उन्हें सामना करने दिया और ना ही ओले और आंधी तूफान का सामना करने दिया, क्योंकि इसी से उसे शक्ति मिलती है। जब आंधी तूफान ओले तेज धूप आती है तभी वो संघर्ष करता है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास करता है, और यही संघर्ष उसे शक्ति देता है और बल पैदा होता है। क्योंकि सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, हथौड़े की चोट खानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर हमारी जिंदगी में भी चुनौतियां और संघर्ष नहीं होगा तो हमारा जीवन भी खोखला हो जाएगा। संघर्ष और चुनौतियों के साथ ही हम प्रतिभाशाली बनते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको इस कहानी का अर्थ समझा पाया कि जब भी हमारी जिंदगी में मुसीबत आए तो समझो परमात्मा हमें और प्रतिभाशाली बनाने की कोशिश कर रहा है। हम सब कभी ना कभी ऊपर वाले से ये गिला शिकवा करते हैं कि सबसे ज्यादा दुख वो हमें ही क्यों देता है। आपके साथ जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये समझिए कि ऊपर वाला परमात्मा बेस्ट डायरेक्टर है और वो सबसे मुश्किल रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है, आपका गिला शिकवा दूर हो जाएगा। दोस्तों, जाते जाते एक और फिलॉसफी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई सुख छिपा होता है। परमात्मा परम पिता है, उसे इस संसार में अपने सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है तो वो बीमारी उसके लिए दुख हुआ, और वो डॉक्टर के पास जाता है और उसकी इनकम होती है तो डॉक्टर के लिए वो सुख हुआ। तो दोस्तों, मुसीबत और दुख के समय इस फिलॉसफी से भी आपको कुछ राहत मिल सकती है।